आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाना चाहता हूं कि जिनके मुतालिक कहा जाता है कि गैबत के शबिस्तान में चिराग इंतजार जलाने वालों के लिए इनकी शख्सियत एक मशाल रहा। आयतुल्ला मेहदीपुर 30 साल से मेहदीपुर पे वावरे, 30 साल से अपनी कलम को, अपनी जुबान को इमाम जमाना के लिए ऐसा इस्तेमाल किया कि गोया एक लिहाज से हक अदा कर दिया। जब इनसे एक दफा सवाल पूछा गया, एक इंटरव्यू लिया गया दरमियान में, जो अतुल्ला मेहदीपुर, कि आपने आखिर अपनी तमाम तर तवज्जुहात का मरकज फकत इमाम जमाने की ज़ाते गिरामी को क्यों करार दिया, आप फकत उन्हीं के मुतालिक लिखते हैं, उन्हीं की ज्यादा बात करते हैं। फरमाया आगा मेहदीपुर ने कि इस जमाने में इमाम जमाने से मजलूम कोई भी नहीं। फिर एक मिसाल भी दी कि नेपोलियन बोनापार्ट अगर देखा जाए तो लाखों जराइम इसके हैं, ना ये कोई मॉडल है, ना ये कोई नमूना है, ना इसकी कोई सीरत है, ना इसका कोई किरदार है अगर देखा जाए, और ना जाने कितनी सैकड़ों और हजारों किताबें नेपोलियन बोनापार्ट की सीरत पे लिखी जा चुकी, लेकिन ये हुज्जत खुदा आदम से लेकर खातम तक जो तमाम अंबिया का एक तन्हा वारिस, उस पर जितनी भी किताबें अब तक शाया हुई हैं या गैर मतबूआ हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, इन सब किताबों को भी अगर जमा किया जाए तो उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपको एक दफा पहले भी हमारे सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी तो मैंने एक चीज बयान की थी कि ऐसा लोग छापते हैं, ऐसी अपनी जो भी कॉज होता है उसकी ऐसी खिदमत अंजाम देते हैं कि सिलेक्शंस फ्रॉम द रीडर्स डाइजेस्ट पता नहीं कितने करोड़ की तादाद में छपता है हर महीने, करोड़ की तादाद में रीडर्स डाइजेस्ट जो है उसको आप देखें, उसके सिलेक्शन को अगर आप देखें कितनी बड़ी तादाद में, तो कितने इमाम जमाना मजलूम है कि आदम से लेकर खातम तक के 1,24,000 अंबिया के तन्हा वारिस और इतना कम लोग उनकी तरफ मुतवज्जे। उन्होंने कहा एक वजह और भी, मैंने क्यों ये काम शुरू किया इमाम जमाना के मुतालिक, कह रहे हैं आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था। एक ख्वाब, खुद फरमाते हैं अगरचे ख्वाब हुज्जत नहीं होता लेकिन कभी कभी ख्वाब रहनुमा साबित होता है और जिंदगी में नूर दाखिल कर देता हर दफा नहीं। जैसे कि छोटे मोटे उल्टे सीधे किस्म के ख्वाब आप लोगों को आते हैं तो फौरन ताबीर पूछने शुरू हो जाते हैं उसकी, नहीं, कभी कभार ऐसे ख्वाब होते हैं कि वाकई रहनुमा साबित होते हैं और जिंदगी के अंदर एक नूर दाखिल कर देते हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि पैगंबर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। और साथ ही पैगंबर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन के साथ ही हजरत हमजा सैयदुश्शुहदा और मालिक अश्तर ये भी उनके साथ ही बैठे हुए हैं कि मालिक अश्तर की कब्र है आपके सामने। और मालिक अश्तर और हजरत हमजा खतीब और जाकिरीन की एक लाइन लगी हुई है और उसमें उस कतार में सब लोग खड़े हुए हैं और हमजा और मालिक अश्तर सबको नंबर दे रहे हैं। कह रहे मैं मुतमईन था, मैं भी कतार में लगा हुआ था, उस जमाने में मैं जवान था और खूब मुतालिया भी करता था। जाहिर है कि मदरसतुल कायम की में तो दाखला नहीं लिया हुआ था कि यहां आने के बाद किताबों वगैरह पढ़ने के ऊपर पाबंदी लग जाए, यानी कि जैसे कि जाहिर है कि इतने अरसे से आपकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मालूम तो चलता है ना कितनी खवातीन किताबें पढ़ रही हैं, लाइब्रेरी से कितना इस्तेफादा कर रही हैं। यहां तो हमें ये वाली सूरत हाल ज्यादा आप लोगों की नजर आती है जैसे ताला लगा दिया गया और किताबें पढ़ना बिल्कुल मौकूफ कर दी। कहते हैं मैं खूब मुतालिया भी करता था और मैं मुतमईन था कि मुझे तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, मुफीद तकरीरें करता था और मैं इत्मीनान में था कि कम से कम 90 नंबर तो 100 में से मुझे जरूर मिलेंगे। मैं हजरत सैयदुश्शुहदा के पास जब पहुंचा तो हजरत सैयदुश्शुहदा, क्योंकि हजरत हमजा का भी एक लकब सैयदुश्शुहदा है, जब इमाम हुसैन के बाद फिर मखसूस हो गया
हमारे इमाम हुसैन के लिए, लेकिन बहरहाल उनका भी एक लकब है। मैं उनके पास जब गया तो देखा कि मुझे 60 नंबर दिए, 60। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, वो अपनी कॉपी लेके मैं पैगंबर इस्लाम के पास आया कि और शिकायतन मैंने कहा कि या रसूलल्लाह देखिए इतने कम नंबर, सिर्फ 60 नंबर मुझे हजरत हमजा ने दिए। पैगंबर ने कहा कि जाओ मेरे चचा हमजाई से जाकर दरियाफ्त करो कि ऐसा क्यों हुआ किया। मैं दोबारा हजरत हमजा के पास आया, कहा कि इतने कम नंबर। फरमाया तुम हर हवाले से तकरीर तो बहुत अच्छी करते हो, अलबत्ता एक चीज की कमी है, तुम अपने जमाने के इमाम के मुतालिक बहुत कम गुफ्तगु करते हो। अच्छा, कह रहे हैं कि बस उसके बाद कहा कि मैं उसके बाद ख्वाब से बेदार हुआ और उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि अपनी तकरीर का तीसरा हिस्सा इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के लिए मखसूस कर दूं। और फरमाते हैं कि आज 20 साल हो गए हैं, मैं इसी सिलसिले के ऊपर अब तक कारबंद हूं। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं कि 100% तकरीर का तीसरा हिस्सा यानी एक हिस्सा इमाम जमाना के लिए मैंने मखसूस किया। फिर उसके बाद फरमाते हैं मैंने जब इस पे काम शुरू किया तो इस राह में मैंने जितने कदम आगे बढ़ाए उतनी ही ज्यादा इमाम जमाना की इनायात शामिल होती चली गई और मैं मजीद से मजीद कोशिशें करता चला गया। तो अच्छा, खुद आगे मेहदीपुर, अब माशाल्लाह भी हयात हैं, जो भी कोई जाए इनसे जाकर मिल भी सकता है, इतने सादा जिंदगी गुजारते हैं कि हमारे बहुत से दोस्त जो कौम में रहते हैं कभी कभार किसी दर्स का इनेकाद करते हैं और इमाम जमाना के सिलसिले में मेहदीपुर को बुलाते हैं तो कभी गाड़ी वगैरह भेजने का कोई तकल्लुफ नहीं होता, खुद बस में बैठते हैं, बस में बैठकर आते हैं और नाराज होते हैं कि इस तकल्लुफ की जरूरत क्या, जब मेरे घर के सामने से बस आती है, मैं कहीं भी बस में बैठ के कहीं पर भी जा सकता हूँ, तो क्या जरूरत है इन तकल्लुफात में पढ़ने की। इंतहाई सादा तरीन जिंदगी गुजारते हैं। खुद आगा मेहदीपुर फरमाते हैं अगरचे मेरे वालिद आलिम दीन नहीं थे लेकिन हमारा खानदान एक मुतदय्यन खानदान था। देखिए, खानदान को दीनदार बनाना भी एक अहम चीज होती, घर में जब माहौल इस किस्म का होता है तब इस किस्म के लोग जाकर आपको माशरे के अंदर नजर आते हैं। कहने 7 साल की उम्र से अलबत्ता मेरे घर वालों ने मुझे मदरसे में दाखिला दिलवा दिया था, यानी कम उम्र ही से मदरसे में जो जाना शुरू करता है वही इतने बड़े कारनामों के ऊपर फायज होता आपको नजर आएगा, इतने बड़े कारनामे करता नजर आएगा। तो कह रहे उसके बाद खैर फिर मैं बड़ा होता गया, यहां तक कि जब हजरत आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम है आपके सामने, ये जब इनकी वफात हुई, जिस वक्त आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम की वफात हुई है तो पूरा गोया एक हुकूमत और हुक्मरानी थी आलम तशय्यो पर आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम। तो कह रहे हैं उसी जमाने में हमने तबरेज में एक मजलिस तरहीम रखी आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के लिए, वहां पर मुझे खिताब का मौका दिया गया। तो कह रहे हैं वो हदीस जो पैगंबर इस्लाम से भी है, चौथे इमाम से भी है, छठे इमाम से भी और खुद इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से भी, कि हजरत हुज्जत की गैबत में मिसाल एक सूरज की सी, सूरज की जो बादलों की ओट में होता है, वो जो पूरी है मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ, और उससे सारी कायनात को और पूरी दुनिया को इससे फैस पहुँचता। तो कह रहे हैं एक इस सिलसिले में एक नुक्ता जो इससे पहले कभी बयान नहीं हुआ था, वो मैंने एक और नुक्ता वहाँ पर बयान किया कि सूरज का एक अहम तरीन फ़ायदा निज़ाम जहान की बका भी, यानी अगर सूरज को निकाल दिया जाए, यानी निज़ाम शमसी में जो सूरज का किरदार है वो उसकी जो कुव्वत जाज़िबा इसके अंदर सूरज के अंदर पाई जाती है, कुव्वत जाज़िबा, और आपको पता है कि रिपल्शन की एक कुव्वत होती है और एक अट्रैक्शन की कुव्वत होती है। तो कह रहे हैं इनका आपस में जो तआदुल एक दूसरे को जो न्यूट्रलाइज करते हैं और अपने अपने मदारों के अंदर रहते हैं, ये सूरज का बहुत बड़ा इस सिलसिले में काम है। तो कहा कि मैंने इस पर पूरा एक मकाला लिखा और उसके बाद इस मकाले को मैंने आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी को दिखाया, जो उल्टे हाथ पे आपको नजर आ रहे हैं आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी, उन्होंने इस मकाले को बहुत ज्यादा पसंद किया और मुझे छपवाने की ताकीद की। कहते हैं कि अलबत्ता ये जो सूरज बादलों की ओट में जो फायदा पहुंचाता है दुनिया को, अगरचे अल्लामा मजलिसी ने इस हदीस में जो तशबीह बयान की है उसमें 8 वजूहात जिक्र किए हैं कि ये तशबीह क्यों बयान हुई, मैंने जो काम किया था वो 9वीं वजह बनती थी। ये मेरा पहला काम था जो 32 साल में
32 साल पहले मैंने किया था। कह रहे हैं उसके बाद बस एक तौफीकात का एक दरवाज़ा खुल गया और इमाम ज़माना पर मुख्तलिफ मौजूआत के दरवाजे खुलते चले गए और मैं काम करता चला गया। उसके बाद मैंने किताब लिखी वो आएंगे, एक किताब मैंने लिखी और जो अब तक 10 बार छप चुकी, 10 बार छप चुकी। उसके बाद मैंने यौमुल खलास का तर्जुमे का काम शुरू किया, 2 जिल्दें हैं यौमुल खलास की और शेख कामिल सुलेमान की और 1300 से ज्यादा सफात हैं और इसमें 18,500 अहादीस पर मैंने एराब लगवाए, 18,500। और आपने देखा होगा कि हर किताब के शुरू में एक इंडेक्स होता है, मैंने 18 किस्म की फहरिस्तें तैयार की इसके लिए, उसमें लगवाई क्योंकि काम इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था जिससे ये किताब इंतहाई मुफीद हो गई। कोई शख्स चंद मिनट में ही अपना मौजू उसमें तलाश कर सकता है उन फहरिस्तों को देखने के नतीजे में। कह रहे हैं उसके बाद फिर मैंने किताब यूसुफ ज़हरा भी लिखी, यूसुफ ज़हरा और इमाम पर जो 40 अहादीस थी जिसमें 40 किताबों और 40 मुसन्नफीन का तारुफ करवाया गया था वो मैंने लिखी, जिसमें 40 अहादीस जिक्र हुई हैं उसकी तमहीद में जो लफ्ज़ और कलिमा है 40 उसकी 40 अहादीस की से मैंने तशरीह की जिसमें 40 का लफ्ज़ जिक्र हुआ। और इन तमाम कामों के सिलसिले में मैंने यूरोप का दौरा किया, तुर्की का दौरा किया और इस्तंबुल का जो कुतुब खाना है सलमानिया है उसमें 4 लाख कलमी नुस्खे हैं जिससे ज़्यादा यानी प्रिंटेड भी नहीं हाथ से लिखे हुए, वो मैंने इन सबको चेक किया, इमाम ज़माना के सिलसिले में अहादीस निकाली और इस काम में मुझे 20 साल लग गए, 20 साल कुतुब खाना सलमानिया में 4 लाख कलमी नुस्खों को छान छान के 20 साल वहाँ पर इन्होंने गुजारे। और ये भी आगा मेहंदीपुर फरमाते हैं बहुत अहम बात कि देखिए एक तबाई बात कि कोई भी इमाम ज़माना के हवाले से जब भी कोई खिदमत अंजाम देता है या कोई भी मुखलिसाना काम करता है तो उनकी खुशनूदी उस शख्स के ऊपर और एक खसूसी तवज्जो और इनायत इमाम ज़माना की उस शख्स पर होने लगती। देखिए आपको भी चाहिए कि अपने बिसात के मुताबिक कोई ना कोई काम शुरू करें, जैसे कि आगे चलकर मैं उन कुछ कामों की फहरिस्त भी आपको बताऊंगा कि जो आप लोग शुरू कर सकते हैं। इस वक्त तो ये कि बहुत खुलूस दिल के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से इल्म हासिल करने की फिक्र करें, अपने मुताले को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, इमाम ज़माना से तकर्रुब और तवस्सुल के जो चीज़ें हैं वो अंजाम दें। कितनी ऐसी चीज़ें हैं وصلى الله على محمد وآله।